कीजिए माय स्मार्ट चैनल को और घंटे बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय फ्रेंड, नमस्ते आप सभी का फिर से वेलकम है चैनल में। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड आप किस तरह आपके जो आधार कार्ड का फ्रेंड जो अपडेट होता है, आधार कार्ड डाउनलोड होता है, आधार कार्ड वेरीफिकेशन होता है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन होता है, ईमेल आईडी वेरीफिकेशन होता है, ओके आप किस तरह कर सकते हैं इजीली स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक कर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ओके। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हो आपका जो आधार कार्ड है वो आप डाउनलोड करना, तो फ्रेंड आप इस ऑफिशियल वेबसाइट इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स को डाउनलोड किस तरह करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फ्रेंड इसको अपडेट कैसे करना, आपका एड्रेस होगा, नाम हो गया, फोटो हो गया, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, आपको अपडेट किस तरह करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फ्रेंड मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ओके। तो फ्रेंड जैसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं इस तरह इंटरफेस दिख रहा, तो फ्रेंड तो ऊपर जाऊंगा तो यहाँ मेरे को फ्रेंड ऑप्शन दिख रहा है गेट आधार। तो फ्रेंड गेट आधार पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे ऑप्शन मिल रहा है इनरोल लोकेट एनरोलमेंट सेंटर। तो फ्रेंड अगर आप अपने आधार कार्ड सेंटर का एनरोलमेंट सेंटर सर्च करना चाहते हो तो फ्रेंड आप यहाँ सर्च कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड आपको चेक आधार स्टेटस, उसके बाद फ्रेंड्स डाउनलोड आधार, उसके बाद फ्रेंड रिक्टेड लॉसर फॉरगॉटन आधार कार्ड नंबर एंड एनरोलमेंट आईडी, ओके। उसके बाद फ्रेंड ऑर्डर आधार प्रिंट आउट, ओके। उसको बोलते हैं फ्रेंड पायलट बैटरी। अगर आपका आधार कार्ड घूम गया, आपके पास आधार कार्ड नंबर है, तो फ्रेंड इस प्रोसेस से फ्रेंड आपका आधार कार्ड रीप्रिंट करके आपके लोकल एड्रेस पे मंगा सकते हो। उसके बाद उसके नीचे फ्रेंड आता है जो मेन कंसेप्ट वो है अपडेट आधार। तो फ्रेंड अगर आप आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हो फ्रेंड उसके प्रोसेस ये होता है, एक ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है, ओके। तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हो और ऑफलाइन भी करा सकते हो। फ्रेंड जब अपन देखते हैं पहले ऑनलाइन, तो अपडेट आधार कार्ड एंड एनरोलमेंट सेंटर एंड अपडेट सेंटर। तो फ्रेंड आप आपका आधार कार्ड को जो अपडेट करवा सकते हो वो आपको एनरोलमेंट सेंटर और अपडेट सेंटर से करवा सकते हो। उसके नेक्स्ट पर आया चेक आधार अपडेट स्टेटस, उसके नीचे है फ्रेंड अपडेट हो आधार एड्रेस ऑनलाइन। तो फ्रेंड आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना सकते हो ऑनलाइन, तो फ्रेंड आप इजीली कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा अपडेट हो आधार एड्रेस ऑनलाइन पे, ओके। तो फ्रेंड उसके बाद आपको उसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड आपका प्रूफ टू अपडेट एड्रेस। तो फ्रेंड आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कि आपके पास एड्रेस प्रूफ है तो आपको इस पर क्लिक करना। अगर आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है तो फ्रेंड जैसे आपके MLA का लेटर, MP का लेटर या नगर सेवक का लेटर या कोई भी लेटर होगा तो उसके लिए आपको यहाँ रिक्वेस्ट वैलिडेट पे करना होगा। उसके नीचे आपको ऑप्शन आएगा, ओके। तो फ्रेंड यहाँ आपको डालना होगा आपका आधार कार्ड नंबर, यहाँ आधार कार्ड नंबर डालने पर यहाँ कैप्चर कोड डालना होगा, फिर आपको इसे सेंड OTP या एंटर TOTP करना होगा। अगर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है तो फ्रेंड आपको क्लिक करना होगा TOTP पे और इसके प्रोसेस करके फ्रेंड आपका आधार कार्ड नंबर चेंज कर सकते हो, आपका आधार कार्ड जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हो ईजिली, ओके। तो फ्रेंड अभी हम देखते हैं और एक चीज़, किस तरह हम अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका आना होगा फ्रेंड माय आधार पे, उसके लिए आना होगा फ्रेंड अपडेट आधार एट एनरोलमेंट सेंटर एंड अपडेट ऑनलाइन, ओके। तो फ्रेंड यहाँ आपको आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, स्टेट, पिन कोड और सर्च बॉक्स। तो आपको स्टेट पे क्लिक करना है, स्टेट पे क्लिक करना है फ्रेंड आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट होगा। तो मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, फिर फ्रेंड आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। तो मैं मुंबई सबर्बन सर्च कर लेता हूँ, फिर आपका फ्रेंड सब डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, तो मैं एज ऑल बोरीवली सेलेक्ट कर लेता हूँ क्या मुंबई। फिर आपको कैप्चर कोड इंटर करना होगा, सिक्स आर के मैं गो पे क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड जैसे मैं गो पे क्लिक करूंगा फ्रेंड आपको यहाँ दिख जाएगा फ्रेंड जितने भी एनरोलमेंट सेंटर है फ्रेंड जो आपका आधार कार्ड पे अपडेट करते हैं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी आपका फोटो, इस तरह आपका बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक फ्रेंड इस तरह का लोग इस रजिस्टर सेंटर में करते हैं। उसके फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपका, अगर आपको इस वेस्ट पे नहीं कराना है, अगर आपको खुद से करवाना है तो फ्रेंड क्या करना है, आपको इधर आना है, आपको जाना माय आधार पे। तो फ्रेंड जैसे आप माय आधार पे जाओगे फ्रेंड आपको और एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड, आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, तो फ्रेंड यहाँ आपको आधार लॉक कर अनलॉक कर देना। फ्रेंड अगर आपका आधार कार्ड पे प्रिंट आउट नहीं लग रहा, थंब नहीं आ रहा, आपके आधार कार्ड पे OTP नहीं आ रही, तो फ्रेंड यहाँ आपका आधार का लॉक और अनलॉक कर सकते हो। आपको अगर आपका आधार लॉक हो गया रहेगा
तो आप ऑनलाइन अनलॉक भी कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ और एक ऑप्शन है आधार कार्ड अनलॉक बायोमेट्रिक और अनलॉक बायोमेट्रिक। तो फ्रेंड अगर आपका बायोमेट्रिक लॉक हो चुका है तो फ्रेंड इधर अपना बायोमेट्रिक और आपका आधार का लॉक और अनलॉक कर सकते हो। ओके तो फ्रेंड अगर आप पेपर आधार पेपरलेस ऑफलाइन KYC देख सकते हो इस पर। ओके तो फ्रेंड यहाँ आप वो भी कर सकते हो, आपका जो वर्चुअल आईडी है वो भी जनरेट कर सकते हो। ओके सिर्फ इस ऑफिशियल वेबसाइट से। ओके तो फ्रेंड उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने नीचे दे रखी है, आप यहाँ पे क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो और सब प्रोसेस कर सकते हो। ओके तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू।